Hi students, very good evening to all of you. I am Dr. Anurag Agarwal and this is OSN Academy of English since 1998. Today, I am going to take a session for the first March examination which is going to be conducted in two shifts, that is morning and evening tomorrow. So, a very warm blessings.

सो so, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों देर आर फोर क्लासेस विच आई टेकन एंड ऑल दीज फोर क्लासेज का लिंक्स नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में इसमें इस दिया हुआ है उसके लिंक्स को जाकर के आप इन क्लासेस को ले सकते हैं वेयर वी हैव सॉल्व द टेस्ट सीरीज विच इज़ एट ओशन अकेडमी एप्लीकेशन जो बहुत से बच्चों ने ज्वाइन करके उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है और शुरू करने से पहले जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बहुत सारे हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बनारस के कानपुर के मध्य प्रदेश के और जगह जगह से जो आने को परेशान थे कोविड की वजह से वो आ नहीं पा रहे थे जिनको कि केवल ऑफलाइन क्लासेज़ ही हमारी लखनऊ में करना है उनके लिए यह बहुत सुनहरा मौका है कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है जून का जो कि शायद एक आध महीना एक्सटेंड भी हो सकता है उनके लिए आपके सामने स्क्रीन पे देखे लिखा हुआ है न्यू बैचेस ऑफलाइन फ्रॉम फ्राम फिफ्टीन ऑफ मार्च तो इस डेट को इसको स्क्रीन इस अपने पास रख लें और जिन बच्चों को भी ज़रूरत हो जो भी आना चाहें इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके उनका डिटेल्स ले करके अपनी सीट को रिजर्व करा सकते हैं क्योंकि आई टी वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स चाहे वो नेट के हों चाहे जीआरएफ के चाहे पीजीटी टीजीटी या आई एस के पंद्रह मार्च से क्लास शुरू हो जाएगी तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड और देखिए बच्चों यह है जो इससे पहले टेस्ट सीरीज़ हुई थी वो आपको ऐसे दिख रही होगी जिसमें बच्चों ने कहा था कि शायद उनको देखने में दिक्कत हो रही है लेकिन आज दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने उस दिन भी बताया था आपको कि यू हैव टू चेंज द सेटिंग ऑफ यूट्यूब इन 360 और 480 तो अगर आप चाहें तो ऐसा कर लें लेकिन आज मैंने उस ओस एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज़ है जो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं कमिंग जून और दिसंबर एग्जाम के लिए इसीलिए मैंने उस जो टेस्ट सीरीज़ है ऐप की उसको मैंने पीपीटी में डिज़ाइन करा दिया जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई पड़े और आप अच्छे से उस पर इंटरेक्ट करके समझ पाएँ द वैल्यू ऑफ दिस टेस्ट सीरीज बिकॉज आई एम गोइंग टू नाउ टीच यू विद द की फैक्टर्स तो चलिए पहला क्वेश्चन है जॉन लिलीज प्लेस आर कैंपेसपे एंड डीमेन एंड गेलीथिया सेकेंड टैम्बलेन द ग्रेट द जियो ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड द सेकेंड द बैटल ऑफ एल्कजर द ओल्ड वाइफ स्टेल एंड अरेंजमेंट ऑफ पेरिस द स्पेनिश ट्रेजडी एंड गॉरबॉक तो देखिए ये प्लेस जो भी आपका ऑप्शन है वन टू थ्री फोर जितने भी इसमें प्लेस का नाम लिखा है सभी प्लेस को मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाया भी है और मेरे स्टडी मटेरियल में भी आपको ये चीज़ मिलेगी तो इसको आप इसका आंसर बताएं बच्चों विशाल गुड इवनिंग एंड सुकन्या गुड इवनिंग तो बच्चों जल्दी जल्दी यूट्यूब पे लाइव आ जाएं अपना रजिस्ट्रेशन कर लें रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कमेंट बॉक्स पे या लाइव चैट पे अपने को बता दें कि सर हम आ गए हैं विद योर नेम वट एवर योर क्वेरीज़ आर यू कैन आस्क अरुण कुमार ने लिखा है फर्स्ट और विशाल ने लिखा है ए मीन्स की कैंपैस पे एंडीम एंड सही जवाब दिया द करेक्ट आंसर इज कैंपैस पे एंडीमेन एंड गलीथिया ये क्लास में भी मैंने पढ़ाया है बच्चों अगर जिन बच्चों ने इसका क्लास किया है तो वो याद कर पाएंगे अब देखिए जब आप स्टेट सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो जो की पॉइंट्स है जो नए बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने देखा है वो तो शायद जान गए होंगे और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं बाइलिंगल बैच को भी और टेस्ट सीरीज को भी तो देखिए जॉन लिली का जो कॉमेडिक प्ले है अब मैंने जो की आंसर्स लिखे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्या होता है कि केवल ऑप्शन करेक्ट होने से आपकी जानकारी नहीं बढ़ती है अब क्या होगा कि अब आपकी इतनी ज़्यादा जानकारी बढ़ जाएगी कि इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आप कर पाएंगे क्योंकि जो आपका माइंड है वो चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शन निकालने के काबिल होना चाहिए तो उस काबिल काबिलियत के लिए आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए ये हमेशा मैं कहता हूँ हमें एक शिकायत है आपसे बच्चों कि आप ढेर सारे बच्चों को जवाब देना चाहिए क्योंकि बहुत सरल सवाल है ये तो देखिए जॉन लिली की जो कॉमेडी प्ले है कैम्प पे देखिए डेट लिखी है पंद्रह सौ चौरासी में आई थी सेट इन द एलेजिबिशन एरा अब ये किस पे मॉडल्ड है ये मॉडल्ड है लाइफ ऑफ कैंपैस पे पे जिसने इम्पैक्ट किया और सेट किया द स्टेज फॉर मेनी इंग्लिश रेनेसा आफ्टर पूरे रेनेसा ड्रामा के लिए ऐसा स्टेज सेट कर दिया जिसमें आने वाले कितने भी ड्रामा आए और उनको वो स्टेज बना बनाया मिला ये खूबसूरती थी ये वर्क था ये उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी फाइन दूसरा देखिए जॉन लिली ने लिखा कॉमेडी एंडी अब आप सभी को पता है कि एंडी इज इज अंपॉर्टेंट वर्ड जो कि पंद्रह सौ में आया और द मैन इन द मून इन द अर्ली सिक्सटीन सेंचुरी देखिए द मैन इन द मून कितना इंपॉर्टेंट है ये शायद बच्चों को नहीं पता होगा आज पता चल जाएगा इन द अर्ली सिक्सटीन सेंचुरी इन विच द यंग कोर्ट इयर जो प्ले का मेन कैरेक्टर है उसको कंडेम किया जाता है टू एन अनएंडिंग स्लीप बाय टेलस हिज प्रीवियस लव इंटरेस्ट सिंस ही रिजेक्टेड हर इन द फेवर ऑफ इमोटल अब तीसरा भी लिखा है मैंने अ कॉमेडी फ्रॉम द एलिजेथन एरा गिया जो कि पंद्रह सौ बानवे में पब्लिश हुआ है इज अ थिएटर प्रोडक्शन बाय जॉन लिली ये क्या है ये थिएटर प्रोडक्शन है जॉन लिली का और इसको कहा पहली बार पब्लिक में देखा गया ग्रीन विच पैलेस में जनवरी पंद्रह सौ अट्ठासी में एंड इट देन अ ग्रुप ऑफ बॉय प्लेयर्स एक ग्रुप था बच्चों के प्लेयर्स का छोटे छोटे बच्चे थे उसमें नोन एज द चिल्ड्रंस ऑफ सेंट पॉल्स प्रेजेंटेड इन क्वीन एलिजाबेथ वन एंड कोर्ट तो बच्चों आपको कैंपस पे एंडिमियन और गलीथिया जॉन लिली के ऊपर इतनी सारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे करके मुझे बताएं चलिए नेक्स्ट चलते हैं देखिए बीच बीच में हम आपको कुछ कमेंट्स आपको बता रहे हैं अगर वो बच्चे हमारे साथ लाइव होंगे तो मैं उनका जवाब भी दे पाऊंगा हलीमा एक स्टूडेंट हैं उन्होंने लिखा है सर डू यू हैव मेन्स टेस्ट सीरीज फॉर इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल येस हलीमा बिकॉज आई टीच यू पी तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि यू की टेस्ट सीरीज़ भी है आप का किस Uh, किस ईयर का टारगेट ईयर है उस हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी सर आप एम सेट का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्या एम सेट और नेट का ऑलरेडी बाइलिंगल बैच और uh, ये प्योर इंग्लिश बैच ऑलरेडी रन कर रहा है सर हिंदू में वीडियो बनाइए बेटा मैं हिंदी में ही वीडियो बनाता हूँ वो बाइलिंगल बैच के नाम से आता है और वह वेसन अकेडमी के ऐप पे है सुरेंद्र शर्मा गुड मॉर्निंग सर आई एम सूरज कुमार शर्मा आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर क्लास फॉर नेट पेपर वन एंड टू प्लीज गाइड मी द प्रोसीजर टू ज्वाइन योर क्लास एंड ऑल्सो अबाउट द फी ओके बेटा दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा वह हमारे एग्जीक्यूटिव आपको सारी चीज बता देंगे फाइन नंबर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है हु कॉल्स एलिजेथ एज ऑफ इंग्लैंड एज अ नोबल एंड पुशेंट नेशन राउजिंग हर सेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स अ वेरी वेरी पॉपुलर कोटेशन अ वेरी वेरी पॉपुलर सेंटेंस

वेरी सिंपल क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके आंसर देंगे मुझे मुझे इसमें यूट्यूब पे चलिए बताइए बच्चों और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे कल एक मार्च को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस समय ट्रेन में हों ट्रैवलिंग कर रहे हों बस से ट्रेन से और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हों और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग बच्चे बताएंगे मुझे कि आप लोगों में से कल कौन एग्ज़ाम देने जा रहा है हु ऑफ यू आर गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इवनिंग हमें बताएं तो आंसर बताएं जल्दी से अरुण ने बताया है टू टू मतलब जॉनसन और बच्चों बताइए जिससे कि मैं आपको सही आंसर बता पाऊँ तो बच्चों ये बहुत सरल सवाल है आपका जवाब नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि क्या आपको इसका आंसर नहीं पता है चलिए हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं देखिए कि कितना सिंपल था हर हर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हर किताब मिल्टन की कहीं भी आप खोलिएगा तो आपको ये कुछ या, ये, ये सेंटेंस ज़रूर मिलेगा और इस सेंटेंस को मैंने अपने जो प्योर इंग्लिश का बैच है हमारा यूजीसी नेट का उसमें मैंने सेंटेंस को पूरा पढ़ा भी है और बच्चों को बताया भी है कि देखिए ये जॉन मिल्टन का है और ये कितना इम्पोर्टेंट है और किसके बारे में कहा गया है सचेंद्र पाल बेटा गलत है और अरुण कुमार मौर्य का भी गलत है हमें पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है बच्चों कि आप जादा जादा के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्यों सल्यूशन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ज़रूर से पार्ट टेक करिए और इस सेशन को जितना इंटरेक्टिव बनाइएगा उतना अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी क्योंकि ये जो मेहनत है मेहनत सिर्फ इंटरेक्शन पे ही मजा आने वाला है तो देखिए जॉन मिल्टन है और जॉन मिल्टन के बारे में जो हमने की पॉइंट्स लिखा है वो कितना इंपॉर्टेंट है कि शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा जॉन मिल्टन ने एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लैंड को क्या कहा उसने उसको कहा कि इट इज अ नोबल एंड एंडसेंट नेशन राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स ये द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरे फुल स्विंग में था अपने एंड वो कैसा पीरियड था वो पीरियड था पैशनेट लिविंग का अनमेज एंथोजियर ऑफ़ लाइफ एंड रियलिटी इन सोशल लाइफ मिल्टन ने रिप्रेजेंट किया रिफॉर्मेशन इज द रिफॉर्मेशन जो कि अपने आप में पहला लिटरेरी एली था ऑफ द जिसने लोगों को प्रोवाइड किया रिलीजियस कॉन्शियस एंड विद स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस फाइन तो चलिए कोई बात नहीं आज कम बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि ये वो बच्चे हों जो एग्ज़ाम देने ना जा रहे हों या उनकी प्रिपरेशन अभी वो शुरुआत कर रहे हों तो शायद उनको थोड़ा झिझक लग रहा हो लेकिन बच्चों यहाँ पर झिझकने की ज़रूरत नहीं है गलत हो जाएगा और क्या होगा बट ट्राई ट्राई कि आप कौन सा ऑप्शन सही समझते हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बच्चों का कुछ कमेंट्स हैं प्लीज़ होल लेक्चर ट्रांसलेट इन हिंदी बेटा सारा लेक्चर तो ट्रांसलेट हो नहीं सकता क्योंकि प्योर हिंदी कैसे पढ़ेंगे आप इंग्लिश uh, करके है बच्चे कैसे समझें नहीं बेटा रोहित कुमार जी बायलिंगुअल बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है बायलिंगुअल बैच बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें बच्चे अपने को कनेक्ट कर पाते हैं uh, वसीम प्रधान आई एम वॉचिंग इट वाई ट्रैवलिंग इन बस बिफोर रीचिंग द एग्जाम हॉल ये तो बहुत अच्छी बात है वसीम जैसा मैंने अभी बच्चों से बताया कि बहुत सारे बच्चे ट्रेन में बस में इस समय जा रहे होंगे और आप एग्जामिनेशन हॉल कल पहुंचेंगे और आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो देखिए ये भी एक बहुत पैशन होता है कि हम जा रहे हैं और हमें पसंद है सर का लेक्चर तो हम उसको देख रहे हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री है विच प्ले ऑफ जॉर्ज पील बॉज ए पेस्टोरल प्ले जॉर्ज पील का बच्चों कौन सा आ, ड्रामा है जो अपने आप जिसको पेस्टोरल प्ले कहते हैं पेस्टोरल का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊं कि जिसमें शेफर्ड्स जिसमें शेफर्डेस का रोल होता है जिसमें कंट्री साइड का है नदी नाले पहाड़ पर्वत झरने फूल पौधे ग्रीनरी कंट्री साइड जिसमें शेफर्ड हैं शेफर्डेस हैं शीप है गोट है मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप गाँव के माहौल में हैं तो ऐसा प्ले कौन सा प्ले है जॉर्ज पील का विच वॉज अ पेस्टोरल प्ले पहला है बैटल ऑफ एल्कजर दूसरा है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस तीसरा है द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड और चौथा है द ओल्ड वाइफ स्टेल तो बच्चों आपने बताया नहीं अभी तक कि कौन कौन से बच्चे जो हमें इस समय लाइव देख रहे हैं वो एक मार्च का एग्जाम देने जा रहे हैं थम्सअप करके बताइए कि हम देने जा रहे हैं और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हों और उनको पसंद हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और यस कोई भी बच्चा लाइक बटन दबाना ना भूले और आज की लिंक को तो ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत मेहनत से इस, इस क्लास को बनाया गया है और क्योंकि एग्जामिनेशन कल है तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि बहुत मदद हो जाए तो डू शेयर दिस लिंक एंड जस्ट गिव अ लाइक इफ़ यू लाइक दिस आ, क्लास टुडे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे फिफ्टी ऑफ मार्च को हमारी नई क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो रही हैं और ऑनलाइन तो ऑलरेडी चल रही हैं तो चलिए बच्चों बताइए आरती ने कहा है बी निकिता को अच्छा लगा रूपा ने कहा है सी विशाल ने कहा है बी और बच्चे ना उससे यह रहेगा कि जिन बच्चों का ज़्यादा ऑप्शन सही है हम उस पर आपको दिखाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा तो चलिए बी सी बी तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या राइट right आंसर है द करेक्ट आंसर इज द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस का मतलब है देट इज़ द बी ऑप्शन और द नंबर टू ऑप्शन जिसमें रुकैया अंसारी जी कह रही हैं कि आई एम गोइंग टू मोरू टू गिव एग्जाम रुकैया अंसारी गॉड ब्लेस यू एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेसिंग अलॉट बाई ओ एस एन अकेडमी हैं डॉक्टर अग्रवाल सर और आप किस शहर में एग्जाम देने जा रही हैं रुकैया अवनी तनवर जी को भी अच्छा लगा और उन्होंने uh, थम्स अप करके बता दिया है कि उन्होंने लिंक को सब्सक्राइब कर दिया है और लिंक को शेयर कर दिया है राजेश शोबे गुड इवनिंग गुड इवनिंग राजेश जी आप कैसे हैं और रुकैया जी आप किस शहर में देने जा रही हैं एग्जाम तो देखिए करेक्ट आंसर इज नंबर बी और टू दैट इज अरेंजमेंट ऑफ पेरिस अब देखिए यहाँ पे जो हमने आप की पॉइंट्स बताया है वो आंसर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि जॉर्ज पील की जो सिलिक कॉमेडी है जिसको कहते हैं पेस्ट्रल कॉमेडी द एजमेंट ऑफ पैरिस यहाँ पे पेंस गलत लिख दिया है दैट इज अ टाइपिंग एरर ये पब्लिश हुआ था पोस्थो मछली जिन बच्चों को मीनिंग नहीं पता है मैं बता दूँ कि पोस्थोमछली का मतलब होता है कि जब कोई वर्क किसी भी ऑथर के डेथ के बाद पब्लिश होती है उसको बच्चों कहते हैं पॉस्थोमछली और तब हुई थी पंद्रह में और इस प्ले में जुपिटर जो होता है वो पेरिस से पूछता है कि टू सेलेक्ट वन ऑफ द डिविनिटीज़ एक डिविनिटी को सेलेक्ट कर लो या तो पालस को या तो वीनस को किस लिए टू रिसीव द गोल्डन एप्पल ये इसका थीम है ये भी पूछा जा सकता है एंड पेरिस गिव्स टू वी फ्लाइज ऑफ विद पेरिस लिविंग हिज़ वाइफ ओनियोन हार्ड ब्रोकन दिल तोड़ टूटा हुआ तो बच्चों ये देखिए इसकी की फैक्टर्स थे आपको क्या ये फैक्टर्स कभी आपने पढ़ा है अभी आपने सोचा कि इतना डीप जाकर के भी हमें नेट की तैयारी करनी होती है केवल ये जानने से नहीं होगा कि जॉर्ज पील की यह पोएम है केवल इससे नहीं होगा राजेश चौबे आई एम फाइन बेटा आई एम फाइन आई एम ऑल्सो फाइन थैंक यू सतीश तोमर आई एम गोइंग ओके बेटा आप किस शहर में जा रहे हैं uh, अच्छा रुकैया जा रही है मऊ में okay very good or uh, good evening sir i'm feeling happy to attend your seminar uh, uh, good evening saddam hussein i'm also happy that you have joined this seminar and you have joined this special class and uh, i hope that every student who joins ocean academy whether in the youtube channel or whether at the application by joining the courses which are there which i'm teaching live to all india students

शरीर में और मन में ठंडक फील होती है और वो हरियाली सामने आंखों में आ जाती है मैं कश्मीर तो कभी नहीं गया हूँ लेकिन हमने असम के बच्चों को असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनाया है कश्मीर यूनिवर्सिटी के अप टू लद्दाख और वो बच्चे वो लड़कियाँ वो लड़के आज भी फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर कश्मीर में जो नेट सेट करके बच्चों ने किया है आज भी हमको याद करते हैं कि आई एम प्रोफेसर आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ड्यू टू ओवेशन क्लासेस लेकिन ज़रूर कभी न कभी भगवान ने चाहा तो कश्मीर विजिट करूंगा और आप सभी लोगों से मुलाकात भी करूंगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं ये देखिए बच्चों स्क्रीन पे ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं दैट इज़ द ओरिजिनल टेस्ट सीरीज जिसकी हम बात कर रहे हैं जो एप्लीकेशन पर आपको ज्वाइन करना है हमारे स्क्रीन पर सामने हमारी बुक्स हैं जो हमारी लिखी हुई हैं लेटेस्ट अपडेटेड हैं बाइलिंगल बैच चल रहा है हिंदी इंग्लिश मिक्स में ऊपर आप देखिए दैट इज़ प्योर इंग्लिश बैच जिसमें कोई हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो फिफ्टीन मार्च से हैं चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे बैराबास इज़ रूइ बाय क्रिश्चंस रूपा मिश्रा जी प्रयागराज में दे रही हैं चलिए तो बहुत खुशी की बात है कि प्रयागराज हमारा खुद का शहर है आई एम स्कॉलर एंड स्टूडेंट एंड पीएचडी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और आप बहुत बच्चों को पता है कि मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं दो आई एम सेटल्ड इन इन लखनऊ पास 24 इयर्स लेकिन इलाहाबाद ही हमारा होम टाउन है

अब बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्ले कौन सा है अब देखिए हम हमेशा अपनी क्लासेस में बताते हैं कि जो मालो की चार प्लेज हैं उनके चार चार लाइन जरूर पता होनी चाहिए जैसा कि आपने देखा बैरेबस अगर आपको स्टोरी नहीं भी पता है अगर ये पता है कि बैरेबस कैरेक्टर किस प्ले में है तो अपने आप आंसर निकल आया तो ऑप्शन में है एडवर्ड टू द जी ऑफ माल्टा द मैसेर ऑफ पेरिस एंड द दून ऑफ कास्ट्रे जिसका पूरा नाम है तो आंसर आ गया है अंशिका बैनर्जी का रुकैया अंसारी जी का द जू ऑफ माल्टा और भी बच्चे देना चाहें तो मैं कुछ सेकंड रुका हुआ हूं और भी बच्चे ऑप्शंस इसका दे दें तो फिर इसके बाद हम लोग की पॉइंट्स पे चलेंगे और ये देखेंगे कि की पॉइंट्स में जो सर ने लिखा है टेस्ट सीरीज़ में जो आप पढ़ेंगी जो आप प्रिपेयर करेंगी वो नॉलेज आपको थी या नहीं उसी प्रकार से आप इस टेस्ट सीरीज की वैल्यू को इसकी क्रेडिबिलिटी को इसकी पावर ऑफ नॉलेज को समझ पाएंगे और ये बहुत बड़ा यू नो

इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप इसके सल्यूशन में कभी गई हैं क्या जो अब हम पढ़ने वाले हैं या बताने वाले हैं वो क्या आपको पता है बैरबर्स इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले चलिए ये बहुत सरल है एंड द जू ऑफ माल्टा वो कौन था ही इज़ द रिचेस्ट एंड द वेल्दियस्ट जू इन माल्टा सबसे रहीस जू था वो माल्टा में और किसका फादर था फादर ऑफ एबीजेल दूसरा पॉइंट हमने लिखा है ही इज़ इनक्रेडिबली करप्ट ही इज सेल्फिश और क्यों क्योंकि ही एक्वाइर्ड हिज फॉर्च्यून उसने अपना भाग्य बनाया थ्रू मैक्यूविलियन मैथड्स एंड ही इज ऑल्सो वेरी डिसऑनेस्ट एंड वेरी कनिंग थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है वह है बैरब कॉन्स्टेंटली रिफर्स टू हिज जुइसरीज हमेशा रिफर करता है अपने हेरीटेज के बारे में जुइस हेरीटेज के बारे में एंड द प्रेज द इंटॉलरेंस ही इनकाउंटर जो वो फेस करता है माल्टा में चलिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जवाब दिया और जीटाइट क्वेश्चन को बच्चों देखिए यह भी सरल क्वेश्चन है लेकिन हम ये देखना चाहते हैं बच्चों कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव हैं इस समय सबको आंसर देना चाहिए चाहे वो कल एग्जाम में जा रहे हो या ना जा रहे हो उससे यह पता चलेगा बच्चों कि यह सरल क्वेश्चन भी क्या बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देते हैं उससे आपका ही फ़ायदा होगा कल परसों नरसों चार दिन से मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ आपने देखा होगा कि बहुत सरल सरल क्वेश्चन बच्चों ने गलत किया है दिस मीन्स उससे अपने को इवैल्यूएट करिए कभी भी इस धोखे में मत रहिए कि हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं या हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे हमेशा एक सीनियर टीचर की बात को सुनिए समझिए एवेलुएट करिए और देखिए कि दुनिया कितनी फास्ट जा रही है या नेट का जो एग्जाम का अप्रोच है वो कैसे बदलता जा रहा है दिन पर दिन तो आपको उस अप्रोच के साथ चलना है उसको पकड़ के चलना है पी वाई क्यूज आपकी मदद करते हैं लेकिन मदद एक्चुअली में करेगा आपको स्ट्रांग बेस नॉलेज का अगर जड़ ही कमज़ोर है बच्चे की तो जो फूल खेलेंगे जो पत्तियां खेलेंगी वो उतनी खूबसूरत नहीं हो सकती बच्चों खूबसूरती का मतलब है कि आप ग्लैमरस आपके चेहरे पे चमक आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और अगर जड़ मजबूत है उसके अंदर गोबर खाद पानी बीज सब अच्छे से दिया है दैट इज नर्चरिंग द कॉन्सेप्ट एंड विद स्किल विद एक्सपीरियंस दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों सो नेम द प्ले इन विच शेक्सपियर एंड फ्लेचर लेबरेटेड हेनरी एट गैसिल्डा द टू नोबल किंग्स मैन एंड द मेड ट्रेजडी तो बच्चों ने आंसर दिया है देखता हूं अंशिका ने दिया है हेनरी एट आरती रानी जी ने दिया है द टू नोबल किंग्स मैन गोहारी कुसुम ने दिया है हेनरी एट रूपा मिश्रा ने दिया है द टू नोबल किंग्समैन सतीश तोमर ने दिया है द टू नोबल किंग्समैन संस्कृत नॉलेज ने दिया है हेनरी है, एट सागर सतीश तोमर ने वही दिया है द टू नोबल किंग्समैन तो तो हेनरी एट और द टू नोबल किंग्समैन कई कई बच्चों ने कई बार दिया है अवनी तनवर ने लिखा है द टू नोबल किंग्स और अगर बहुत सारे बच्चे हमारे खुद के क्लास के हों तो वो याद कर पाएंगे कि जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखा था कि ये देखिए शेक्सपियर एंड फ्लेचर ने ऐसे गोला करके मुझे आज भी याद है मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था बच्चे लाइव पढ़ रहे थे तो मैंने गोला करके बताया देखिए ये प्ले इन लोगों ने कोलेबरेट की थी मैंने ये तक याद है मुझे कि मैंने प्लस का साइन लगाया था कोलेबरेट को मैंने प्लस के साइन से बताया था शेक्सपियर प्लस फ्लेचर इज़ इक्वल टू दिस तो वो बच्चे अगर सामने होंगे तो निश्चित रूप से वो सही आंसर देंगे और देखिए सही आंसर है द टू नोबल किंग्स मैन तो जिन बच्चों ने भी टू नोबल किंग्समैन दिया है उनका सही है ये भी उनको पता होना चाहिए कि ये ट्रेजिडी है या कॉमेडी है या क्या है इट इज नॉट अ ट्रेजिडी इट इज नॉट अ कॉमेडी इट इज अ ट्रेजिक कॉमेडी और <coughs> uh, excuse me. Uh, ये इस प्ले में पांच एक्ट हैं एंड वॉज लाइकली रिटर्न एंड प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड सोलह सौ बारह या सोलह सौ चौदह और ये रिलीज की गई थी इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ सोलह सौ चौंतीस तो ये इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आंसर में सोल्यूशन का यही इसकी गुरु जी चेला जी असल आपको तो क्या हुआ है मुँह पे बेटा हमें जो मुँह पे कुछ नहीं हुआ है इट वॉज ए डेंटल सर्जरी हमारी दाँत की सर्जरी हुई थी उस सर्जरी से हल्का सा ये आ, सूजन अभी रह गई है आने वाले समय में ये ठीक हो जाएगी तो जस्ट आई एम वेटिंग कि वो जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि सर्जरी थोड़ी सी हैवी थी और दांत के अंदर की थी इस वजह से वो अभी थोड़ा सा सूजन है और जल्दी ही ठीक हो जाएगी लेकिन आप देखिए कि कभी भी जीवन में आपको रुकना नहीं है भगवान आपके साथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है प्लस माइनस करता रहता है लेकिन हमारा जो कर्तव्य है हमारा जो सिद्धांत है हमारा जो भगवान ने रोल दिया है भगवान ने हमें प्रोफेसर टीचर बनाया है हमारा कर्तव्य है शायद आप बच्चों को नहीं पता होगा कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीनियर प्रोफेसर आई टुक वी आर एस आई टुक रिटायरमेंट एट एज ऑफ फोर्टी फाइव वाई बिकॉज इन द यूनिवर्सिटी इन द कॉलेज आई वॉज ओनली टीचिंग फिफ्टी हंड्रेड स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स बट विद ओ स् एन अकेडमी आई एम टीचिंग लैक्स ऑफ़ स्टूडेंट्स पास ट्वेंटी ईयर्स तो डैट पैशन दैट इन्हेलेंट क्वालिटी इन मी मेड मी लीव द गवर्नमेंट प्रोफेसरशिप टुक द वी आर एस एंड टूडे आई एम डूइंग सच अ सोशल सर्विस सच सर्विस विच इज़ मेकिंग इन्यूमरेबल करियर्स और मुझे इस बात से बहुत प्राउड फील होता है कहने में कि मेरी बच्ची अप्रैल को मेरी एक बच्ची है मेरी स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में आई एस क्वालिफाई किया है 2022 बैच का एंड नाउ शी इज गोइंग टू दिल्ली ऑन सिक्स ऑफ अप्रैल टू फेस द इंटरव्यू हम सभी लोग चाहेंगे कि उस बच्चे को आप सभी लोग ओसन एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें जिससे कि जब उसका रिजल्ट आए तो उसका नाम फाइनल आई लिस्ट में हो उससे हम सब का मान सम्मान ओस एकेडमी का नाम हम सभी बच्चों का नाम बढ़ेगा कि ओसन एकेडमी से एक बच्चे ने आई एस टॉप किया या आई एस में काडर लिस्ट में आई और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा तो कैसे हुआ बच्चों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था नॉलेज इज पावर बट नॉलेज शुड बी द राइट नॉलेज शुड बी एक्ूरेट नॉलेज शुड बी टारगेटेड ये नहीं है कि मुझे ये पढ़ना है तो इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं ये गाइड पढ़ रहे हैं ये विकीपीडिया पढ़ रहे हैं फिर वहाँ छाट रहे हैं वो किताब पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा सारा आपका जो एनर्जी है ना वो बाइफरकेट होकर के डिवाइड हो जाएगा यू हैव टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग आज भी कई बच्चों ने हमको फोन किया कि सर हम नेट भी करना चाहते हैं और आई भी करना चाहते हैं तो मैंने उनसे कहा कि बेटा देखो दोनों एग्जाम का अप्रोच अलग है आई का अप्रोच भी अलग है नेट का अप्रोच भी अलग है एक एग्जाम को चुन लीजिए डोंट सेल इन दू बोर्ड अदरवाइज दोनों बोर्ड आपकी डूब जाएगी तो बच्चों ने इस बात को समझा और बात को पहचाना बात को समझा और अभी शायद एक घंटे पहले एक बच्चे ने उड़ीसा से फाइनली कहा कि सर मुझे नेट नहीं करना है मुझे आप आई कराइए और उसने आई के बैच को आज ज्वाइन किया तो ये बच्चों की अपनी प्रायरिटीज़ है इसीलिए हम उनसे कहते हैं कि अपनी प्रायरिटीज़ को चुनिए और उसी हिसाब से अपने आगे चलिए नेक्स्ट चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स consider the following statements shakespeare is employed sources for his plays are north translation of plutarch's lives of the local greeks and romans shakespeare made changes in the history of romans which of the statements above is or are correct both one and two only one only two neither one and neither two ये भी मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया मुझे अच्छे से याद है जब मैं शिक्षण पढ़ा रहा था तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है मैं जब शिक्षण पढ़ता हूँ तो ये रहता है ये हम पढ़ाते पढ़ाते हैं तो बच्चों बताइए आरती जी ने कहा है आ, वन वन का मतलब होता है इनका ये कहना है बोथ वन एंड टू आर करेक्ट जल्दी जल्दी इस ऑप्शन दीजिए जिससे कि मैं बहुत कुछ आपको आज ज्ञान दूँ बहुत कुछ आज पढ़ाऊँ आपको अच्छा लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा आप ज़्यादा संख्या में पढ़ेंगे को करेंगे या हमसे बातचीत करेंगे इंटरेक्टिव सेशन को रखेंगे तो निश्चित रूप से हम और एनर्जी से पढ़ा पाएंगे आपको <coughs> गुंजी ने कहा है ऑप्शन टू ऑप्शन टू का मतलब है इनका कहना है कि केवल ऑप्शन वन इज करेक्ट एम आर राइट सतीश तोमर जी ने कहा है ओनली टू ओनली टू।, टू का मतलब है शेक्सपियर मेड चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ रोमन और बताइए बच्चों रूपा मिश्रा जी ने कहा है ओनली वन पहला वाला केवल पहला वाला <coughs> तो चलिए और ऑप्शन दे रहे बच्चों कि हम आंसर आपको दिखा दें द ड्रीम ने कहा है ओनली वन दैट इज बी ऑप्शन सैयद हसन ने कहा है ऑप्शन वन दैट इज़ बोथ वन एंड टू निशा गंगवार जी ने कहा है वन निशा गंगवार जी आप शायद हमारी स्टूडेंट हैं वैसा एकेडमी की जिसने बाइलेंगुल बैच शायद कल ज्वाइन किया है शाम को एम आई राइट आप वही निशा गंगवार हैं शाहजहाँपुर से इफ आई एम नॉट रॉन्ग निशा आर यू द सेम निशा हुए ज्वाइन माई बाइलिंग बैच येस्टरडे इवनिंग अवनी तनवर ने कहा है वन निशा ने कहा है वन अच्छा निशा ओके निशा चलिए आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा कि आप इस क्लास में लाइव हैं और आपको बायलिंगुअल क्लास कैसी लगी निशा जब आपने कल ज्वाइन किया तो आपने जो हमें देखा था आपने कुछ सोचा होगा आपको कोई विश्वास होगा सर के ऊपर तो आपने ज्वाइन किया तो आपको अभी तक जो आपने ज्वाइन किया और आपने पढ़ा आपको कैसा लगा निशा क्या सभी के लिए लाइफ टाइम ये सही है स्वाति संध्या जी ने एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन किया है क्या सभी बच्चों को जो भी हमें देख रहे हैं या देखना चाहेंगे आगे भी क्या दस बजे रात का टाइम उनके लिए सही है या थोड़ा पहले होना चाहिए या थोड़ा और बाद होना चाहिए नहीं निशा जी आप ज्वाइन भी कर चुकी हैं ज्वाइन तो कल ही आप कर गई आपने मेरा ही क्वेश्चन है कि आपने क्लास नंबर वन से शुरू किया डिड यू स्टार्ट योर क्लासेस फ्रॉम क्लास नंबर वन दैट इज द एंग्लो सैक्शन पीरियड उसके बाद ड्रामा वन का पहला पार्ट रुकैया अंसारी ने लिखा है वन निशा ने कहा कि अच्छा टाइम सही है तो चलिए हम लोग राइट आंसर देखते हैं गुरहरी कुसुम ने कहा है थ्री द करेक्ट आंसर इज़ बोथ वन एंड टू तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन वन दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन कि उनको ये आंसर पता था निशा अवनी रुकैया जितने बच्चे भी वन दे वाले हैं सैयद आरती ये सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है चलिए बहुत अच्छी बात है अब देखिए इसके बारे में बहुत कुछ मैंने लिखा है अब इसको क्या पढ़ूँ मैं आप एक बार इसको पढ़ लीजिए क्योंकि आज आपका जो फ़ोन साइज़ है स्पेशल पीपीटी बनी है इसकी तो वो आप पढ़ सकती हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और अपने पास रख सकती हैं जिससे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं चलिए अब बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं क्योंकि यूट्यूब है, है तो वहीं पे रहेगा अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन चूंकि डेट का मामला है तो बहुत सारे बच्चे सही या गलत कर सकते हैं बेन जॉनसन की जो ट्रेजिडी है सेजानस वो कब पब्लिश हुई uh, सौंदर्या सौंदर्या हैदराबाद चलिए सौंदर्या जी गुड इवनिंग और आप मुझे बहुत अच्छा लगा आई फील ग्लैड दैट यू आर टुडे लाइव विद मी एंड यू आर यू हैव ज्वाइन माय प्योर इंग्लिश बैच बिकॉज यू आर फ्रॉम हैदराबाद एंड कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन सौंदर्या डिड यू आर यू एबल टू

चलिए और बच्चों बच्चे जल्दी जल्दी बताइए सैयद हसन का है सोलह सौ तीन तो चलिए आंसर देखते हैं और आंसर करेक्ट है सोलह सौ तीन अब देखिए यहाँ पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या बाद में यूट्यूब चैनल के लिंक से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं ये देखिए जो मैंने सोल्यूशन दिया है इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट तो जो भी बच्चे नए हैं जुड़े हैं हमारे साथ जिनको नहीं पता है ये वो टेस्ट सीरीज़ है जो ओ एस के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है

लव एट फर्स्ट साइट तो हम समझते हैं सभी बच्चे समझते होंगे वट डू अंडरस्टैंड बाई द लव एट फर्स्ट साइड ऑलेंडो एंड रोजरलैंड सीलिया एंड ओलिडियस हेलिना एंड ओबरॉन कितना अच्छा क्वेश्चन बना है ये आप एक मिनट के अंदर इसका राइट आंसर दे सकते हैं आरती बी ए बी सचेंद्र टू निशा वन अच्छा बताइए बच्चों आज मजा आ रहा है आप लोगों को आर यू दिस सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग चाहते हैं कि आ, सर आपके साथ अक्सर दस बजे आए और कुछ ज्ञान की बातें करें आरती ए गुरु जी वन वन टू वन टू में ही सब अटके हुए हैं बच्चे वन टू वन टू में आप लोग हैं स्वाति जी ने yes. okay, कहा है यस ओके स्वाति ठीक है वन सर टाइम पूछ लिए टाइम बच्चे कह रहे हैं दस बजे इज़ राइट अगर दस बजे हम लोग लाइव आते हैं तो बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग डिनर करके और आराम से सब कुछ कार्य करके एकदम खाली होते हैं तो सर के साथ थोड़ा सा टू टू मैम करने में मज़ा आएगा खुशबू मोदी गुड इवनिंग खुशबू जी कैसी हैं आप तो चलिए आंसर देखते हैं हम लोग और द तो करेक्ट आंसर इज सीलिया ओलीवर एज सुन एज दीलिया उ जो है देखता है चैट करता है सीलिया से एज एलिनिया जो एलानिया के रूप में थी इट सीम्स एज दो दे हैव ऑलरेडी फॉलो इन ऐसा लगता है कि वो लोग ऑलरेडी लो 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 प्यार में डूब चुके हैं एंड शी रेडिली हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमर करते हैं थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं क्योंकि लिटरेचर और इंग्लिश इज बेसिकली एक खजाना है प्यार का कोई ऐसी कविता नहीं कोई ऐसी नॉवल नहीं कोई ऐसी ड्रामा नहीं जिसमें प्यार नहीं होता तो बताइए बच्चों हाउ मैनी ऑफ यू है फॉलन ए लव एट फर्स्ट साइड आप कितने लोगों ने प्यार में फर्स्ट साइट में आपने प्यार किया है दिस इज माई क्वेश्चन दिस इज माई क्वेश्चन टू यू तो आप थम्सअप करके बताएंगे सर मैंने किया है मैंने किया है नीचे थम्सअप करेंगे मतलब मैंने नहीं किया है तो थोड़ा सा ये हंसी मजाक का माहौल हो जाएगा अमर आइट right? प्यार सभी करते हैं कभी न कभी जीवन में आए हैं तो प्यार करना भी ज़रूरी है और इंग्लिश के स्कॉलर्स हैं इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो अपने आप में अंग्रेज़ी साहित्य हमें प्यार सिखा देता है लोगों से भगवान से नेचुरल एनवायरनमेंट से इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश के स्कॉलर्स होते हैं वो बहुत हम्बल होने चाहिए बहुत पोलाइट होने चाहिए बहुत दिल में उनके रेस्पेक्ट होनी चाहिए बड़ों के प्रति छोटों के प्रति, प्रति प्यार होना चाहिए मैं आपको बताऊं कि एज अ स्कॉलर एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश आई ऑलवेज रेस्पेक्ट विमेन फ्रॉम द वेरी यू नो चाइल्डहुड इफ़ आई रिमेम्बर माई पास्ट डेज एंड द मोमेंट आई केम टू बी अप एंड अप इन माई डिग्रीज इन माई स्कॉलरशिप वो प्यार वो मोहब्बत वो संस्कार या कह लीजिए वो अदब महिलाओं के प्रति विमेन के प्रति हमारी जो क्लासमेट्स हुआ करती थी गर्ल्स उनके प्रति जो 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 आप कह सकते हैं एक प्रति सम्मान एक वर्ड होता है श्रद्धा एक वर्ड होता है तो दैट इज़ दैट इज़ वॉट इंग्लिश लिटरेचर टीचर्स यू और हम चाहते हैं कि हमेशा महिलाओं का सम्मान करिए क्योंकि महिलाएं जो विमेन हैं दे आर दैट एनर्जी विच गॉड हैज़ गिफ्टेड देम अगर वो नहीं है माँ माँ नहीं है मातृत्व है वो माँ है वो पत्नी है वो बहन है वही संसार हैं उन्होंने ही संसार को जन्म दिया है सो आई रियली फील अशीम्ड इन अवर कंट्री टू सी दैट हाउ मेनी डेंजरस थिंग्स पीपल डू विद विमेन ऑल ओवर द कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड हाउ थिंक ऑफ गिविंग टॉर्चर टू अ फीमेल गिविंग सो मच ऑफ पेन बट टीचर एज अ पर्सन आप मेरे बच्चे हैं आपको हम यही सिखाना चाहेंगे ऑलवेज रेस्पेक्ट वेजर लव एंड टू दैम बिकॉज दे आर मैं इट कभी भी कोई एग्नी पेन उनके साथ कभी मत करिएगा लव इज लव इज आरती जी ने कहा है सब अरेंज मैरिज है <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लव वाले पढ़ नहीं सकते आरती जी ने कहा लव वाले पढ़ नहीं सकते ऐसा नहीं है बेटा मेरे बहुत सारे बच्चे लव वाले हैं जो आई बन गए पी बन गए प्रोफेसर बन गए क्योंकि लव में वो शक्ति है प्यार में वो वो पैशन है जो आपको क्या से क्या करा देता है तो इट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक वी विल नॉट एंटर इन टू द डिबेट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट लिटिल मोर ह्यूमरस लिटिल मोर एनर्जेटिक बिकॉज आप लोग का एग्जाम है वैसे भी आपने देखा होगा कि मैं अपने चैनल पे या मैं अपने क्लास में सिर्फ पढ़ाई की बात करता हूँ आपने मेरे 500 सौ वीडियोज़ अगर पुराने बच्चों ने देखे होंगे तो आई नेवर टॉक अबाउट एनी थिंग एल्स रादर देन माई इंग्लिश लिटरेचर एंड कॉन्टेंट आज थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर से हम हट गए लेकिन चलिए अच्छी बात है नेहा आपकी बायलिंगल क्लास साढ़े पाँच बजे ज्वाइन करके होगी ज्वाइन लाइव क्लास यस आज भी मेरी साढ़े पाँच बजे लाइव थी और सारे बच्चे लाइव थे हमारे लाइव अगर आपकी मिस हो जाती है तो वो क्लास वहीं पर रिकॉर्ड होकर आ जाती है कोई मिस नहीं होती क्लास कहीं पर भी लव इज़ द लाइफ सर इट्स नेसेसरी फॉर ऑल देखिए रूपा मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि लव ही संसार है और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है आप कुछ देर के लिए सोचिए बच्चों आपके पास माँ है फादर है भाई है बहन है फैमिली है दोस्त है यार है अगर ये आपसे प्यार ना करें तो क्या बिना प्यार के बड़े हो पाएंगे लव इज़ गॉड लव इज एवरी थिंग वी शुड लव एवरीबॉी वी शुड नॉट गो फॉर जेलिसी हेट्रेड एंड एंगर वाई बिकॉज जेलिसी हेट्रेड एंड एंगर प्रोड्यूसेज अ नेगेटिव हारमोन इन योर बॉडी एंड देट नेगेटिव हारमोन कैन डू डिज़ासट्रस इफेक्ट इन योर बॉडी एंड माइंड सो अंग्रेजी लिटरेचर के जो स्कॉलर्स हैं दे शुड भी वेरी हम्बल पोलाइट एंड फुल ऑफ लव एंड इफेक्शन तो जब भी हम किसी इंग्लिश लिटरेचर साहित्य के बच्चे को चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो उसको देखते हैं कि थोड़ा सा वो उसको मतलब उसको तमीज़ कम है या कह लीजिए उसके संस्कार हमें सही नहीं दिख रहे हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि बताइए अंग्रेजी साहित्य का बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि अंग्रेज़ी ही प्यार सिखा देता है आपको यस सैयद आपने सही कहा स्वाति जी लिख रही हैं ऐसा आपने तो काट दिया आई कुड नॉट रीड स्वाति जब तक मैं पढ़ता आपने मैसेज को का निशा जी ने कहा है एंग्लो सैक्सन क्लास बहुत अच्छी है सर थैंक यू निशा कि आपको आपने मेरे ऊपर भरोसा किया आपने क्लासेस बाइलिंग ज्वाइन किया और आपको एंग्लो सैक्सन जो पहला क्लास है वो बहुत अच्छा लगा और मेरी ये गारंटी है कि आपको एंग्लो सैक्सन ही नहीं, नहीं जितनी भी क्लासेज मैं पढ़ाऊँगा चाहे मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँ चाहे मैं ऐप पर पढ़ाऊँ मेरी क्वालिटी सेम होती है और मेरा एक्सपीरियंस और जो मैं पढ़ाता हूँ वो एकदम कंटेंट रिच होता है चलिए तो नेक्स्ट तो हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट है आपका ये द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजडी ऑफ देंड टाइप विच वॉज रिटन बाई थॉमस मॉर्टन बेटा यहाँ पे एक मिस्टेक है मॉर्टन की जगह नॉटन होगा एन तो ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक सर मैं लेफ्ट हो रही हूँ लेफ्ट मतलब आप छोड़ रही हैं मतलब आप यूट्यूब चैनल से जा रही हैं कहीं आपको जाना होगा सर यू टीच वेरी वेल एंड यू अंडरस्टैंड द इमोशंस वेल स्वाति जी जहाँ तक टीचिंग की बात है ये तो आ, मेरा पच्चीस साल का एक्सपीरियंस है जब मैं पच्चीस साल पहले भी पढ़ाता था तो भी हमारे अपने जो क्लासमेट्स थे हम खुद क्वालिफ़ाई नहीं किए थे नेट और हमने अपने एक 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 स्टूडेंट को क्वालिफाई कराया था नेट आपको चूँकि स्वाति जी ने ऐसी बात कही है तो मुझे याद आ गया कि आई वॉज डूइंग आपको मैं थोड़ा अपनी पर्सनल बात शेयर करता हूँ आज चूँकि स्वाति जी ने ऐसी बात कही है कि जब मैं डॉक्टरेट कर रहा था बना आई वज डूइंग माई पी एच डन अमेरिकन लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी इलाहाबाद हमारी एक जूनियर थी हमारे प्रोफेसर की एक बेटी थी जिसको मैं पढ़ाया करता था क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि आपको इनको पढ़ाना है तो मैं उनको पढ़ाता था उनको पढ़ा पढ़ा करके मैंने उनको सिक्सटी नाइन परसेंट से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने टॉप किया जब मैं ख़ुद क्वालिफाई नहीं किया था नेट तो उनको पढ़ा पढ़ा के नेट क्वालिफ़ाई कराया आई वॉज नॉट नेट एंड आई मेड हर क्वालिफाई नेट एंड नाउ शी इज़ अ सीनियर लेक्चरर एंड एसोसिएट प्रोफेसर इन वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर कॉलेज ऑफ डेली यूनिवर्सिटी सो शी इज़ माई फर्स्ट नेट एंड फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ माई एंटायर करियर इन द लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स सो ऐसा नहीं है कि अगर हम नेट नहीं थे हम उसको करा नहीं पाए इट वॉज पैशन क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपने प्रोफेसर साहब को ये दिखाना है कि मेरे अंदर काबिलियत है और जब मैंने दिखाया कि मेरे अंदर काबिलियत है कि देखिए आपकी लड़की को नेट क्वालिफाई करा दिया और इंटरव्यू क्वालिफाई करा दिया और नाउ शीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर तब जो उन्होंने हमको सम्मान दिया जो हमारी पीएचडी में उन्होंने मदद किया मुझे डॉक्टरेट बनाया आई एम रियली ओब्लाइज एम रियली थैंकफुल टू माई प्रोफेसर दो ही इज़ नाउ नो मोर इन दिस वर्ल्ड ही एक्सपायर्ड इन द कोविड पीरियड बट येस वेनवर आई आई रिमेंबर हिम आई एम रियली इन पेन इन टीयर्स बिकॉज ही वॉज द पर्सन

स्वाति ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर ज़्यादातर तो तो बच्चों ने ऑप्शन फोर लिखा है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यस द आंसर इज ऑप्शन फोर योर क्लास इज इंस्पायरिंग फॉर मी सर इंडियन चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छा लगा आप इंस्पायर्ड हुए हमारी क्लास से तो इंडियन जी आप, आपका नाम क्या है वॉट इज नेम बेस्ट ऑफ लक खुशबू वंस अगेन और हमें एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है बच्चों कि आप जो भी बच्चे कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको ओस एकेडमी से प्यार है हमारे प्रति लगाव है आपको लगता है कि ये हमारे सर हैं तो आप ज़रूर से हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे है उस पर ज़रूर से एग्ज़ाम निकलते मान जितने बच्चे भी हमें सुन पा रहे हैं दो चार क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन जो भी आपको याद आ जाए बच्चों ज़रूर दे दीजिएगा जिससे कि हम फटाफट उसकी एनालिसिस करके आपको यूट्यूब पर लाइव आ जाएंगे लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं बताए चाहे वो वन लाइनर हो कैसे भी हो मान लीजिए कोई क्वेश्चन पोप का पूछा है आपको याद आ गया तो आप लिख दीजिए सर मेरे व्हाट्सएप पे सर दिस वाज आर्स दिस वाज आर्स तो अगर ढेर सारे बच्चे भेजेंगे हमें तो ढेर सारे प्रश्न हो जाएंगे ठीक है बेटा तो जरूर भेजिएगा और जो बच्चे भेजेंगे ज़रूर से मुझे व्हाट्सएप करेंगे ये थोड़ी सी मेरी गुजारिश है आपसे निवेदन है या कह लीजिए ऑर्डर है प्रणाम प्रणाम ओके okay, तो चलिए गवर्नमेंट ऑफ के बारे में देखिए पढ़िए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये पहले अपने आप में ट्रेजिडी थी इट वॉज द फर्स्ट कंप्लीट टाइप की कैसी ट्रेजिडी सेनेकन सेनेकन का मतलब बच्चों होता है कि जिस भी आदमी ने सेनेकन को फॉलो किया हो एंड सेनेकन वॉज अ ग्रेट मास्टर और किसने लिखा था थॉमस था? नॉटन एंड थॉमस थॉमसिल ने डेट इंपॉर्टेंट है पंद्रह और ये जो टर्म है ना ट्रेजिडी इसका मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ टेन एशियंट रोमन प्लेज जिसमें से आठ इट इज बी सपोजोज बाय द पोलिटिशियन राजनैतिक दार्शनिक स्कॉलर जिसका नाम था लूसियस एनायस सेनेका रूपा मिश्रा जी कह रही हैं कि हाउ टू एंड अवर हेजिटेशन वेन स्पीकिंग इंग्लिश सर देखिए रूपा जी इसका कोई थमडूल नहीं होता इसको कोई सिखा नहीं सकता इसकी कोई स्पीकिंग स्कूल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपका अपना डेडिकेशन पैशन हार्डवर्क और शीशे के सामने खड़े होकर के आधे घंटे पंद्रह मिनट पाँच मिनट बोलना प्लस आप तभी हेजिटेशन को दूर कर पाएंगी जब आपके अंदर नॉलेज होगा प्लस आप किसी भी अपने एक मॉडल टीचर को जैसे मान लीजिए देर आर टेन गुड टीचर्स इन फ्रंट ऑफ यू जिनको आप बेस्ट समझती हूँ कि ये सबसे अच्छा इंग्लिश बोलते हैं उनकी इंग्लिश हमें समझ में आती है उनके लेक्चर उनके क्लासेस उनको सुनिए उनको समझिए वो कैसे बोल रहे हैं उनको एम्बाइब करिए अपने आप ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा बोलना आता है डिक्शन डिक्शन मतलब होता है वर्ड्स अगर आपके पास वोकेबलरी कम है तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे छः महीना साल भर क्लासेस करते हैं और उनकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाती है बोलने की भी लिखने की भी एक्सप्रेशन की भी और वर्ड्स की भी क्योंकि हमारी क्लासेस में उनको चार गुना दस गुना फ़ायदा मिलता है चाहे वो वर्ड्स हो चाहे वो एक्सप्रेशन हो चाहे वो बोलने की तरीका हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो तो अगर आप एम इंग्लिश स्टूडेंट हैं रूबी रूपा मिश्रा और आप यू नेट या किसी भी लिटरेचर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो एक बार ज़रूर से हमसे काउंसलिंग ले लीजिएगा एक बार टेलीफोनिक वार्ता करिएगा उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा सर लेक्चर फाइव नहीं पहले या लेक्चर कैसे देखें ये लेक्चर पाँच है आ, अच्छा आपको चार लेक्चर और देखने हैं तो चार लेक्चर बेटा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाइए और उसमें लाइव पे बटन दबाइए लाइव लाइव वो वीडियो होता है ना तो लाइव में आप देखेंगे कि नीचे कॉन्टिन्यूस उसमें लिखा है आ, क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर आज में क्लास फाइव या तो आज की ही क्लास के नीचे नीचे लिंक पे जाइए वहां चारों क्लास के लिंक दिए हुए हैं एक एक करके सबको आप दबाइए उसको क्लिक करिए और चारों क्लासेस देख नेक्स्ट पे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर टेन थॉमस जो प्लेज हैं दे आर स्पेनिश ट्रेजडी इन एडवर्ट थ्री जी ऑफ माल्टा टैंबल इन ग्रेट एंड डॉक्टर अन फर्चुनेट ट्रेवलर इन लाइफ ऑफ जैक विल्टन एंड न सिंपल क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि अगर पचास बच्चे लाइव हैं तो पचास सो बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं मतलब मजा आ जाएगा <coughs> जल्दी जल्दी बताइए बच्चों इस इन दस क्वेश्चंस के बाद हम बहुत एक बेहतरीन चीज़ आपके आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं कहीं जाइएगा नहीं वेट करिएगा और जो एग्जाम देने जा रहे हैं या नहीं भी देने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इस क्वेश्चन के बाद मैं बताने जा रहा हूँ देवेश जी ने क्या लिखा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क वन 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 लिखा है विशाल ने लिखा है ए और बच्चे जवाब दे तो मैं इनको बताऊं फिर कीमा जी ने कहा है वन वन मीन द स्पेनिश ट्रेजडी इन एडवर्ड थ्री रूपा मिश्रा कंफ्यूजन रूपा जी आपको मेरी बात समझ में आई जो आपने क्वेश्चन पूछा था जो मैंने जवाब आपको दिया आपको समझ में आया लॉजिकल इंग्लिश एकेडमी ए इंग्लिश एकेडमी ए कंफ्यूज ए एंड सी अच्छा ए और सी में आप कंफ्यूज हैं अगर आप ए एंड सी में कंफ्यूज हैं रूपा आप ये बता सकती हैं कि आप एमए इंग्लिश आपने कब किया है व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर एमए इंग्लिश एंड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया है और कब किया है एक्चुअली मैं बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं कि एम ए इंग्लिश जो बच्चे हैं या जो बी ए थर्ड ईयर तक एम ए इंग्लिश ले चुके हैं और एम ए इंग्लिश करके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको आज बता दूं थोड़ा सा काउंसलिंग भी करा लीजिए अपनी कि एम ए इंग्लिश जब आप करते हैं तो अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं तो ये हमेशा याद रखिए एक मैं आपको सिखा रहा हूँ लाइफ में जीवन भर याद रखिएगा कि आपका करियर बहुत आसानी से बन सकता है अगर आप अपने इस दो साल के एमए के पीरियड को वेस्ट ना करें जो बच्चे भी इस दो साल के पीरियड को वेस्ट कर देते हैं ये सोचते हुए कि अभी तो मैं एमए कर रहा हूँ एमए के बाद सोचूंगा तो नब्बे प्रतिशत बच्चे सोचते रह जाते हैं और कुछ भी नहीं बन पाते इसी से अपोजिट डायरेक्शन में जो बच्चे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में शुरू कर देते हैं कि भाई हमें तो देखिए टी करना है हमें पी करना है हमें नेट करना है हमें जे करना है हमें आई करना है हमें पी करना है हमें एल ग्रेड में जाना है या हमें जर्नलिस्ट बनना है या हमें पी करके विदेश जाना है हमें काउंसलर बनना है हमें किसी एम्बेसी में काम करना है हमें एम इंग्लिश करके किताब लिखना है आई अ राइटर आई हैव टू बिकम अ लेक्चर आई हैव टू बिकम दिस वो बच्चों का जल्दी सक्सेस रेट आप पाएंगे बनस्पत जो बच्चे दो साल केवल अपनी किताबों में पढ़ करके और केवल दस परसेंट ज्ञान अर्जित करते हैं क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन जब आप देते हैं बड़ा एग्जाम तो वो एम इंग्लिश जो होता है दैट इज़ ओनली टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ एनी सिलेबस ऑफ द ऑफ द कॉम्पिटिशन दो की है रूपा काफ़ी काफ़ी डिलेड हैं आप रूपा जी तो आपने क्या नेट सेट क्या पीजीटी टीजीटी नहीं किया है आज तक और आप दो हज़ार आज दो चल रहा है बच्चे तो ये बात आप ध्यान रखिए बच्चों कि और ये मेरा चैलेंजिंग है ये मेरा स्टेटमेंट पच्चीस साल के अनुभव से है और मैंने न जाने कितने बच्चों का करियर बनाया है जिन बच्चों ने हमको कांटेक्ट कर लिया एमए फर्स्ट सेमेस्टर में अभी हाल में ही हमारी एक बच्ची है आईटी कॉलेज लखनऊ की उसका नाम है प्रीति यादव प्रीति यादव की उम्र होगी छब्बीस सत्ताईस साल और उसने हमको ज्वाइन कर लिया था वेन शी वॉज इन एम एफ फर्स्ट सेमेस्टर इन आई टी कॉलेज लखनऊ और आज की डेट में शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन महिला बहराइच महिला कॉलेज महिला पी जी कॉलेज बहराइच बहराइच इज अटी नियर लखनऊ एंड मैनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट इविन अर्निंग फाइव थाउजेंड टू टेन थाउजेंड रुपीज एंड शी इज अर्निंग नाइन्टी थाउजेंड रुपीज़ कैन यू अंडरस्टैंड डयर तो ये तो एक एग्जाम्पल है देर आर इनमेमोरेबल एग्जाम्पल्स लाइक दिस जिन्होंने बात को फॉलो किया अपने अंदर विश्वास रखा अपने अपने प्रोफेसर के प्रति विश्वास रखा उसके साथ सम्मान से रहे और भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया तो चलिए इसी के साथ इसका आंसर देखते हैं द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज द स्पेनिश ट्रेटिडी एंड एडवर्ड थ्री अब देखिए इसका डिटेल्स भी लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या बाद में भी आप इसको देख सकते हैं रूपा मिश्रा जी अप्लाई किया था लेकिन क्रैक नहीं कर पाए लेकिन रूपा मिश्रा जी हमारा एक सेंट क्वेश्चन है 2019 से 19 हो गया 20 हो गया 21 हो गया 22 हो गया 23 हो गया पाँच साल कैसे हो सकता है इसके मतलब आपको कभी किसी ने गाइड नहीं किया आप किसी सही प्लेटफॉर्म पर पहुंची नहीं आप ओसन अकेडमी को रूपा जी कब से जानती हैं आज मतलब बहुत करीब से जानती हैं या बहुत पहले से जानती हैं एडवर्ड थ्री इज ऑल्सो रिटर्न बाई शेक्सपियर यस <laughs> तो ये हो गया आपका सेशन अब बच्चों ध्यान से बैठिएगा क्योंकि अब हम आपको कुछ बजर रहा हूँ जिसको कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन आपके सामने हम डालने वाले हैं और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं या पूछने जा रहे हैं वो वंडरफुल पीस ऑफ नॉलेज है सभी बच्चों के लिए और मैं आपको उस पर ले चलता हूँ आपसे पूछता हूँ कि देखिए जब हम कोई भी चीज़ करते हैं लाइफ में तो बहुत पैशन से अगर हम नहीं करेंगे अगर हम बहुत पैशन से नहीं करेंगे तो वो उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है जैसे आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं मान लीजिए हमारे ऐप का नाम है ओसन अकेडमी ओसन अकेडमी प्ले स्टोर पर है एंड्रॉयड पे भी है और आईफोन मोबाइल पे भी है अगर आपके पास आईफोन है बच्चों तो आपको एक कोड लगाना पड़ेगा उस कोड का नाम है डब्लू ई जेड टी वाई टी वाई ये कोड लगाएंगे अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो कोई भी कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें जब आप अंदर जाएंगे तो स्टोर पे जाइएगा स्टोर पे। वहाँ पे एक वर्ड आएगा स्टोर उसको क्लिक करिएगा ऊपर एक ब्लॉक आएगा उसमें लिखिएगा क्रैश कोर्स आपके सामने क्रैश कोर्स खुलेगा उस क्रैश कोर्स को क्लिक करिएगा उसमें डेमो वीडियोस देखिएगा डेमो वीडियो देखने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस प्रकार से केवल उस क्रैश कोर्स को पढ़ करके न जाने कितने बच्चे कितने हाई लेवल इंटरव्यू क्वालिफ़ाई कर चुके हैं और उस क्रैश कोर्स को करके न जाने कितने बच्चे किन किन एग्ज़ामों को क्वालिफ़ाई कर गए हैं और उसके बाद अभी एक लड़की कैलकटा यूनिवर्सिटी की है

जो जो फीलिंग है या जो हमने पढ़ाया है क्वेश्चन आंसर रूप में और उसमें डे वन करके है डे वन डे टू डे थ्री डे फोर तो आपको ऐसा लगेगा कि एक दिन में आपने डे वन में जो पढ़ा आपने जो उसको एम्बाइव किया आप थोड़ी देर से चकरा जाएंगे बताओ इतना मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा इतना कॉलेज में पढ़ा इतनी किताबें पढ़ी इतनी गाइड बुक्स पढ़ी इतनी नॉलेज मुझे चालीस मिनट में मिली ही नहीं कभी सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ क्रैश कोर्स अब उसमें है क्या जैसे मैं आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन है मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन है आपने नाम सुना होगा डब्ल्यू बी एड्स का एक वर्क है उसका नाम है अ विजन अब बच्चों आपको मुझे बताना है कि अ विजन डब्ल्यू बी एड्स का ये क्या है ये ऐसे है ये प्रोज है ये पोइट्री है या ड्रामा है बताइए जब तक आप ये बताते हैं तब तक हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ये एक ऐसे लिखा गया है आपको बताना यह है कि ये किसने लिखा है हु हैज रिटन दिस ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स तीसरा क्वेश्चन हमारा है मेरे क्वेश्चन सुनते जाइएगा बच्चों और हम आपको आंसर देते जाइएगा क्योंकि हम इसमें रुकेंगे नहीं रुकेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना माई थर्ड क्वेश्चन इज टी एस को नोबल पुरस्कार किस वर्क के लिए दिया गया मतलब टी एस ने तो बहुत सारे वर्क लिखे हैं लेकिन कौन सा ऐसा वर्क है जिसके वजह से उसको नोबल पुरस्कार मिला है उन्नीस में फाइन नाउ चौथा क्वेश्चन हमारा बच्चों कि एक नोवेल है जिसका नाम है दो बैरन लीव्स क्या नाम है दोज बैरन लीव्स आपको बताना है कि ये नोवेल किसने लिखी है और जो टाइटल है ना दोज बैरन लीव्स इसको वर्षवत की टेबल टर्न से लिया गया है मतलब वर्षवत की एक पोएम है जिसका नाम है टेबल्स टर्न उस पोएम की कोई लाइन है तो टाइटल जो है ना दोज बैरन लीव्स लिया गया है वर्षवत की पोएम टेबल टर्न से आपको बताना है कि दोस्त बैरन लीव्स किसने लिखा है फाइन तो देर आर मेनी थिंग्स विच आर वेरी एग्जाम सेंट्रिक बट द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे पढ़ना है जैसे एक और आपको मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है uh, उस वर्क का नाम है आइलेस इन गाजा आइलिस इन गाजा तो आइलिस इन गाज़ा जो है ये वर्क है हकसले का. हकसले का. लेकिन जो टाइटल है आइलिस इन गाजा ये, ये कहाँ से ली गई है इट इज़ टेकन फ्रॉम मिल्टंस सैमसन एगोनिस्टिस मिल्टन की सैमसन एगन सभी को पता है वहां से इसका टाइटल लिया गया आइलिस इन गाजा अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक एल है उसका नाम है वर्ड्सवर्स ग्रेव ये वर्ड्सवर्थ ग्रेव किसने लिखा है इट इज रिटन बाय विलियम वॉटसन और ये जो पूरा कलेक्शन है इट इज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ग्रेव एंड अदर पोएम्स वाई तो इस तरीके से जो वन लाइनर्स हम आपको दे रहे हैं दैट इज एक्चुअली ब्रेन आपको लगता है आ, ये जो क्वेश्चन वन टू टेन था उसके बाद जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है बच्चों ये कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है और आई स्टॉप द सेशन आपको नींद आ रही है तो चलिए हम लोग अगर बच्चों को नींद आ रही है या थक रहे हैं तो वी कैन मीट सम टाइम अगेन एंड वी विल कॉन्टिन्यू अवर सेशंस सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज एक्चुअली The right composition to study for qualifying exam. Any any counseling students, any problems in the application? If you want to study the bilingual batch or the crash course or the test series, you may just download the application. Thank you so much, students, and have a good night. bachche exam unko best wishes. Thank you.